जय हिंद आप सभी को, स्वागत है आपका तेजस एनसीसी एडमिशन में। तो आज की क्लास में हम लोग एनसीसी न्यू भर्ती परीक्षा 2022 का प्री मॉडल पेपर वन करेंगे। ध्यान देंगे, प्री मॉडल पेपर वन यानी क्लास तो एक घंटे की होगी, बट मैक्सिमम मार्क्स 70 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 होगा, पर आपको लिमिट समझ लीजिएगा। ये आपका फाइनल टेस्ट होगा, यानी प्री मॉडल पेपर, एक क्वेश्चन ओनली 20 सेकंड, साइड में आपका टाइम चलता रहेगा, तो आपको लिमिट समय में आंसर बताना, ठीक है? मतलब ये आपका फाइनल टेस्ट हो रहा है, जैसे आपका एग्जाम में होता है। सभी लोग रेडी हो जाए, जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि तेजस चैनल पर आपको सारी परफेक्ट जानकारी दी जाती है और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम आते हैं ऑल इंडिया में। और जो भी नए, सभी का वेलकम है तेजस फिल्म में, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। और आगे आपको ध्यान रहे कि क्लास में कॉम्पिटिशन, गर्ल्स वर्सेज बॉयज, अगर आप कॉम्पिटिशन में होंगे तो आप पढ़ के आएंगे कि कौन टॉप 5 में आएगा, कौन बेस्ट करेगा, विनर कौन होगा, जिनका 70 में 70 सही होगा। अभी 40 नहीं है, आउट ऑफ 70 परफेक्ट आंसर चाहिए मुझे, जो भी अपने टाइगर लोग है, ठीक है? तो टाइगर वैसे नहीं बनते, फायर बनना पड़ता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते, सभी लोग रेडी हो जाओ फायर के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एनसीसी का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन है नेशनल क्रेडिट कोर, बी नेशनल क्रेडिट कोर, सी नेशनल क्रेडिट कोर, या फिर डी नॉन क्रेडिट कोर। टाइम शुरू हो चुका है, एक क्वेश्चन आपको मात्र 20 सेकंड का समय दूंगा, इससे एक्स्ट्रा टाइम नहीं, ठीक है? ओनली 20 सेकंड। फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी, एनसीसी का सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपको एनसीसी का फुल फॉर्म तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप एनसीसी ज्वाइन करने के लिए टेस्ट देने जा रहे हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, और 2 सेकंड। चलिए टाइम अप हुआ, तो करेक्ट आंसर होगा, एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका, या फिर डी जापान। टाइम शुरू हो चुका है, कंटिन्यू अपनी रफ्तार में कभी लेट, ठीक है? जो भी मेरे पास स्टडी करते, आपका स्पीड होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़े और आंसर एकदम फास्ट मोड में, परफेक्शन के साथ, गुड जोश। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया, मतलब बनाया गया? रूस, फ्रांस, अमेरिका या जापान। चलिए टाइम अप हुआ, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत और रूस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए वाले परफेक्ट है, बाकी लोग रॉन्ग हो, तो ध्यान रहे 70 में 70 चाहिए, जो भी टाइगर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, या फिर डी विटामिन डी। टाइम शुरू हो चुका है, टाइम आपका यह राइट साइड में चल रहा है कॉर्नर में, तो आप लोग लिमिट समय में आंसर बताएंगे विदाउट एनी टाइम वेस्ट, जल्दी। और फुल क्लास, कोई भी 10 मिनट 15 मिनट करके नहीं भागा, पूरा क्लास करें, इससे आपको आज पता चल जाएगा कि आप कितना तैयारी कर चुके हो और आपको कितनी मेहनत करनी है, कि लिमिट समय में आप आंसर दे पा रहे या नहीं। जल्दी से सभी लोग, चलिए टाइम अप हुआ, तो नींबू में कौन सा विटामिन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, एनसीसी का मोटो क्या है, यानी ध्येय? ऑप्शन है शांति और सत्य, बी एकता और अनुशासन, सी अहिंसा और धर्म, या फिर डी एकता और सत्य। टाइम शुरू हो चुका है, एक क्वेश्चन 20 सेकंड याद रहे, तो सभी लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी, शांति और सत्य, एकता और अनुशासन, अहिंसा और धर्म, या फिर एकता और सत्य। और फिजिकल का तैयारी आप करते रहेंगे, बाकी रिटेन का तो आपका मैं करा देता हूं, बट फिजिकल आप पे डिपेंड करता है, तो जल्दी सभी लोग बताए, गुड जोश। चले टाइम अप, तो एनसीसी का मोटो यानी ध्येय होता है एकता और अनुशासन, यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1971 की लड़ाई के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी श्रीमती इंदिरा गांधी, या फिर डी अटल बिहारी वाजपेयी। टाइम शुरू हो चुका है, ओनली 20 सेकंड, तो सभी लोग जल्दी से आंसर बताइएगा। 1971 का जो फाइट हुआ था पाकिस्तान के साथ, तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, शास्त्री जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, या फिर वाजपेयी। फास्ट और 2 सेकंड, चलिए टाइम ऑफ हुआ, गुरजोश। तो 1971 के समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है? तो ऑप्शन सी वाले परफेक्ट है, इस क्वेश्चन के विनर है, बाकी लोग रॉन्ग है, तो ध्यान रहे पढ़ के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध ग्रह, बी बृहस्पति ग्रह,
सी शुक्र ग्रह या फिर डी मंगल ग्रह, टाइम शुरू हो चुका है। तेजस चलने पर कभी भी आपका टाइमलेस नहीं कहेगा, और टाइम का कितना वैल्यू है आप लोग समझ सकते हो भी आज की दुनिया में। टाइम लॉस करने का मतलब जरा भी लॉस करें मतलब आप काफी पीछे चले जाएंगे बाकी लोगों से, तो जल्दी से बताएं। और क्लास दो टाइम होती है, सुबह में 7:30 बजे, शाम में 8 बजे, तो दोनों टाइम क्लास करने हो सभी लोग करेंगे। चले टाइम अब, तो हमारे स्वर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बृहस्पति। बाकी लोग रहोगे, काफी लोग बुध लिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 16 जुलाई 1948 को, बी 16 अप्रैल 1948 को, सी 15 जुलाई 1948 को, या फिर 15 अप्रैल 1948। टाइम शुरू हो चुका है, सभी लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। वेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड? 16 जुलाई 1948, 16 अप्रैल 1948, 15 जुलाई 1948 और 15 अप्रैल 1948। सभी लोग जल्दी कुछ जोश, आंसर सभी का आना चाहिए, जो लोग नए हैं आप भी। चलिए टाइम अप, तो एनसीसी की स्थापना करेक्ट आंसर होगा 16 जुलाई 1948 को हुई थी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर डी हीलियम। तो टाइम शुरू हो चुका है, सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं। हमारे एनवायरमेंट में सबसे अधिक अमाउंट किस गैस का? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर हीलियम का? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है, अभी तो सही जा रहे, गुड़जोश। चलिए टाइम अप, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ऑप्शन ए परफेक्ट है, नाइट्रोजन गैस, जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा है। ए वाले परफेक्ट हो, बाकी लोग रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 9, सफेद क्रांति किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन ए शांति से, बी दूध से, सी सत्य से, या फिर डी खून से। टाइम शुरू हो चुका है, सफेद क्रांति का संबंध किस चीज से है? ऑप्शन ए में शांति से, बी दूध से, सी सत्य, या फिर डी खून यानी ब्लड से। तो बताइएगा, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। गुड जोश, काहे बाकी लोग इतना स्लो क्यों? चलिए टाइम अप हुआ, तो सफेद क्रांति का संबंध दूध से है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी दूध से। क्वेश्चन नंबर 10, करंट अफेयर्स, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, बी 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर डी 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। टाइम शुरू हो चुका है, जिनका फर्स्ट क्लास होगा मैक्सिमम लोग आप फंसेंगे इसमें, करंट अफेयर्स है। बाकी जो अपने टाइगर लोग रेगुलर क्लास करते हैं आपका, तो आंसर परफेक्ट ही होगा। नंबर ऑफ स्टेट एंड नंबर ऑफ टेरिटोरीज अभी प्रेजेंट में कितना है अपने देश में? 28 और 8, 29 और 8, 28 और 9 या फिर 29 और 9। जल्दी चले टाइम अप, तो अभी प्रेजेंट में टोटल नंबर ऑफ स्टेट है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, तो ऑप्शन ए वाले परफेक्ट है, टाइगर लोग गुड़जोश। क्वेश्चन नंबर 11, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के अंतर्गत बनाते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीडेशन के द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सी ए और बी दोनों सही है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका है, पौधे यानी जो भी पेड़ पौधे होते हैं वनस्पति, वो अपना भोजन किस प्रोसेस यानी किस प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं? ऑक्सीडेशन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ए और बी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है। जल्दी बताइएगा, और 2 सेकंड फास्ट। चलिए टाइम अप, तो पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते फोटोसिंथेसिस के द्वारा, यानी ऑप्शन बी वाले विनर इस क्वेश्चन के, यानी गुड जोश। क्वेश्चन नंबर 12, एनसीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, बी राष्ट्रीय कैडेट कोर, सी राष्ट्र क्रेडिट कॉर्प्स, या फिर डी राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स। टाइम शुरू हो चुका है, तो टाइम ड्यूरेशन आप ध्यान देंगे उसके अंडर में अगर आप आंसर बताते तो ही आपका सही माना जाएगा, ठीक है? जो भी मेरे पास स्टडी करते ध्यान रहे, 20 सेकंड के अंदर आपका कमेंट आ जाना चाहिए, वो भी परफेक्ट। लेट बता रहे मतलब आप नहीं पढ़ रहे बढ़िया से, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है? गुड जोश, जल्दी फिर टाइम अप, तो एनसीसी को हिंदी में राष्ट्रीय कैडेट कोर बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बीओआई का
फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडोनेशिया, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर डी बैंकर्स ऑफ इंडिया। टाइम शुरू हो चुका है, तो सभी लोग जल्दी से बताएं। इट्स वेरी इजी बेबी टाइप क्वेश्चन, बेबी लोग को देखते हैं ना कितने मासूम होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन ही मासूम है, एकदम बच्चा टाइप का है। तो जल्दी से BOI का फुल फॉर्म, बैंक ऑफ इंडोनेशिया, बैंक ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर बैंकर्स ऑफ इंडिया। जल्दी काहे और फास्ट, चले टाइम अप। तो BOI का फुल फॉर्म होता है बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेबी टाइप था इसका तो आंसर सबका सही आना चाहिए। स्पेलिंग ध्यान देना, फुल फॉर्म है। 14 मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर डी अटल बिहारी वाजपेयी को। टाइम शुरू हो चुका है, ध्यान देंगे। मिसाइल मैन के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं हम लोग? कलाम जी को, राजेंद्र प्रसाद जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को, जिनकी सबसे ऊंची मूर्ति विश्व की बनाई गई गुजरात में, या फिर वाजपेयी जी को। तो जल्दी से सभी लोग बताएं, टाइम ओवर होने वाला है, फास्ट चलिए टाइम अप। तो मिसाइल मैन के नाम से सिंपल है, बच्चा बच्चा जानता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं, जो कि हमारे राष्ट्रपति भी थे। तो ऑप्शन ए वाले परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, NCC में कितने निदेशालय यानी डायरेक्टरेट्स है? ऑप्शन है 15, बी 16, सी 17, या फिर डी 18। टाइम शुरू हो चुका है, एनसीसी का ये सब बेसिक क्वेश्चन आपके न्यू भर्ती में पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने साइड से नहीं आपको पढ़ा रखा है। इसलिए अब तक जहां जहां भी टेस्ट हुआ, इस बार 2022 में पटना में 99% क्वेश्चन अपने थे, झारखंड में 90% थे, उत्तराखंड में भी 90%, मतलब 80% प्लस ही अब तक ऑल इंडिया में। चलिए टाइम अप। तो एनसीसी में निदेशालय की संख्या टोटल 17 है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम लिखे। ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, बी जनरल मनोज पांडे, सी श्री राजनाथ सिंह, या फिर डी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। टाइम शुरू हो चुका है, ये मोस्ट VBI मोस्टली सब जगह पूछता है, भाई हमारे आर्मी चीफ कौन है? अगर आप नवल विंग से जा रहे हो तो नवल चीफ कौन है? एयर वाले एयर चीफ कौन है? या फिर तीनों में से किसी का कहीं भी पूछ देंगे, तो तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए। कौन है अभी अपना आर्मी चीफ, जल्दी बताएं फास्ट। चलिए टाइम अप। तो अभी प्रेजेंट में हमारे नए नए बने, इसमें भी काफी लोग फंसे हैं, क्योंकि आप लोग करंट अफेयर्स तो देखते नहीं, ऊपर से रेगुलर क्लास भी नहीं करते, ना ही होमवर्क पढ़ के आते। तो ध्यान रहे, अभी नए नए बने हैं जनरल मनोज पांडे आर्मी चीफ, ठीक है, तो ऑप्शन बी वाले परफेक्ट हो, बाकी लोग ध्यान दें, पढ़ के आइए। 17, शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? ऑप्शन है परमवीर चक्र, बी महावीर चक्र, सी शौर्य चक्र, या फिर डी अशोक चक्र। टाइम शुरू हो चुका है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता यानी सबसे बड़ा पुरस्कार, ध्यान रहे शांति के समय वीरता का पुरस्कार है, फंसिएगा नहीं, ठीक है, जब भी अपना टाइगर लोग आपको हर बार समझाता हूं। तो जल्दी, शांति के समय वीरता यानी बहादुरी का पुरस्कार। चलो टाइम अप। तो शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र, जिसको मैंने आपको शॉर्ट में बता रखा है AC, ठीक है, बट ऑप्शन में अशोक चक्र है तो अशोक चक्र लिखेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? ऑप्शन है जनरल करियप्पा, बी जनरल सैम मानेकशॉ, सी कर्नल जीजी बैगुर, या फिर डी जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। टाइम शुरू हो चुका है, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? क्वेश्चन हो चुका है पहले भी दो चार बार, तो आंसर सभी का परफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीसी रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी हाल में याद होना चाहिए। तो जल्दी बताइएगा, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? गुरजोश, चलिए टाइम अप। तो एनसीसी के प्रथम निदेशक थे कर्नल जीजी बैगुर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, बी 16 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, सी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, या फिर 16 अप्रैल 1920 को अमृतसर में। टाइम शुरू हो चुका है, सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां, दो क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में भी दिया गया 13 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920, या फिर 16 अप्रैल 1920 को अमृतसर में, कहां हुआ और कब हुआ।
तो आंसर सभी का परफेक्ट, और जो लोग ऑप्शन नंबर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर के साथ बताएंगे, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए टाइम अप। तो ये घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, असम से कौन सी नदी गुजरती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी सोन नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर डी नील नदी। टाइम शुरू हो चुका है। असम से कौन सी नदी गुजरती है? गंगा नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर नील नदी। सभी लोग जल्दी से बताएं। काहे फायर लोग इतना स्लो कैसे? धुआं धुआं होना चाहिए जब तक 17 क्वेश्चन ना हो, रेस नहीं, ठीक है। चलिए टाइम अप। तो असम से करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 21, एनसीसी का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में, बी मुंबई में, सी दिल्ली में, या फिर डी बनारस में। तो टाइम शुरू हो चुका है। खाई के पान बनारस वाला याद तो होगा, तो सभी लोग जल्दी से बताएं एनसीसी का मुख्यालय कहां पर है। फर्स्ट और मुंबई, वहां पर तो सभी स्टार लोग वहीं पे, और दिल्ली तो भाई दिल वालों की, और कोलकाता का क्या कहे, कोलकाता का क्या बोला जाए। टाइम अप। तो एनसीसी का मुख्यालय नहीं, हेडक्वार्टर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली में, तो सी वाले परफेक्ट है। नेक्स्ट 22, यूपीएससी का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन ए यूनिक पब्लिक सर्विस कमीशन, बी यूनियन प्ले सर्विस कमीशन, सी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमांडर। टाइम शुरू हो चुका है। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग पर, थोड़ा सा क्लियर फंस सकते। यूपीएससी का फुल फॉर्म पूछा है, यूनिक पब्लिक है, यूनियन प्ले है, यूनियन पब्लिक, या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमांडर होगा। तो आराम से देखें, अगर पढ़ के आए तो आपको पता होगा, याद होगा, तो जल्दी बताइएगा। चलिए टाइम अप। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 23, गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? ऑप्शन है पटना में, बी जयपुर में, सी कोलकाता में, या फिर डी मुंबई में। टाइम शुरू हो चुका है। गेटवे ऑफ इंडिया पूछा, ध्यान रहे, एक होता है इंडिया गेट, बट यहां पे है गेटवे ऑफ इंडिया। तो पटना में है, जयपुर में, कोलकाता में, या फिर मुंबई में, कहां पर है जरा बताइएगा सभी लोग जल्दी। गर्मी खतरनाक है आपके अभी, है क्या? फास्ट, फिर टाइम अप। तो गेटवे ऑफ इंडिया भैया ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये मुंबई में है। जब इंडिया गेट आएगा तो ध्यान देना, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाले परफेक्ट है, मुंबई। 24, आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताएं। ऑप्शन है जनरल, बी कैप्टन, सी सिपाही, या फिर डी मेजर। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द लोवेस्ट रैंक ऑफ द आर्मी, जनरल, कैप्टन, सिपाही, या फिर मेजर। तो सभी लोग जल्दी से बताएं, गुड़जोश। 70 क्वेश्चन ध्यान रहे, 70 क्वेश्चन होने के बाद ही स्टॉपेज होगा। टाइम ऑफ हो गया। तो आर्मी का सबसे छोटा रैंक, अभी तो लगभग मैक्सिमम लोग सही जा रहे, 2-4 लोग फंसे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिपाही। जो नए वाले आप लोग काफी फंस रहे, क्योंकि आप पढ़ के नहीं है अभी, फर्स्ट टाइम आपका क्लास है, तो आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। लास्ट में आपको बता दूंगा कहां से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 25, एनसीसी गान के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी सुदर्शन फकीर, सी रविन्द्रनाथ ठाकुर, या फिर डी महर्षि वाल्मीकि। टाइम शुरू हो चुका है। एनसीसी गान यानी एनसीसी सॉन्ग किस व्यक्ति ने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुदर्शन फकीर ने, सी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, या फिर ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि ने। आराम से आंसर बताएं। टाइम 20 सेकंड, एक्स्ट्रा टाइम नहीं, नो एक्स्ट्रा टाइम अलाउड। चलिए टाइम अप। एनसीसी गान का रचयिता करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुदर्शन फकीर, ठीक है। तो बी वाले परफेक्ट है, सुदर्शन फकीर ने। 26, हाल ही में भारत ने फ्रांस से कौन सा लड़ाकू विमान खरीदा है? ऑप्शन ए MiG-29, बी तेजस, सी राफेल, या फिर डी सुखोई लड़ाकू विमान। टाइम शुरू हो चुका है। और आपको जिस विंग से एनसीसी लेनी है, आर्मी विंग, एयर विंग, नवल विंग, जिससे भी, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा, आप वहां से डाटा देख लेंगे, ठीक है। और वेबसाइट का लिंक, जिस पर सारे मॉडल पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो आप वहां से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। लास्ट में आपको बता दूंगा, और ग्रुप का लिंक भी लास्ट में दे दूंगा, ठीक है।
सॉरी ग्रुप का लिंक तो मैंने वैसे दे रखा डिस्क्रिप्शन में, फिर टाइम ऑफ हो चुका है। तो फ्रांस से भारत ने अभी राफेल लड़ाकू विमान खरीदा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 4 सेकंड एक्स्ट्रा हो गया, चलिए कोई ना, काफी लोग इसमें फंसे, पढ़ के आइए। 27 अल्फाबेटिकल रीजनिंग, ए ई आई एम फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हल करना है। ऑप्शन क्यू बी पी सी आर या फिर डी ओ। टाइम शुरू हो चुका है तो जल्दी से बताएं, जो लोग रेगुलर पहले से क्लास कर रहे हैं आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो जल्दी ए ई आई एम, तो अगला क्या होगा, ए के बाद कितना गैप है, ए के बाद बी सी डी तीन गैप, ई के बाद आई एफ जी एच तीन गैप, आई के बाद एम जे के एल, मतलब तीन गैप हो रहा है। चलिए टाइम अप, तो तीन गैप करना ठीक है, फिर एम के बाद तीन गैप करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए की आएगा, ठीक है, तो की वाले परफेक्ट है, ऑप्शन ए वाले। 28 उष्मा को नापने वाला यंत्र कौन सा है, ऑप्शन है रिक्टर स्केल, बी स्केल, सी गैल्वेनोमीटर या फिर डी थर्मामीटर। टाइम शुरू हो चुका है, मतलब है क्वेश्चन का कि हीट को किस मशीन से नापते हैं, मापते हैं यानी मेजर करते हैं। ऑप्शन है रिक्टर स्केल से, बी स्केल से, सी गैल्वेनोमीटर से या फिर डी थर्मामीटर से। आराम से सोच के आंसर बताएं। और आप लोग का जिस भी फ्रेंड्स को एनसीसी ज्वाइन करना होगा, इसका बेनिफिट लेना है, तो आप उसको बता देंगे कि क्लास कंटिन्यू करें। चलिए टाइम अप, उष्मा को नापने वाला यंत्र है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी थर्मामीटर, बुखार नापते हैं ना, तो ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 29 आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताएं, ऑप्शन है कैप्टन, बी सिपाही, सी फील्ड मार्शल या फिर डी जनरल। टाइम शुरू हो चुका है, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताएं, विच इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ द आर्मी। सभी लोग जल्दी से, मैं आपको बता रहा था कि अपने फ्रेंड्स जिनको एनसीसी लेना है, इसका बेनिफिट लेना है, तो उनको बताइएगा कि डेली क्लास दो टाइम होती है, सुबह 7:30 बजे शाम में 8 बजे तेजस चैनल पर। चलिए टाइम अप, तो ध्यान दे आर्मी का सबसे बड़ा रैंक ऑप्शन डी यानी जनरल का होता है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट इन द आर्मी जनरल। क्वेश्चन नंबर 30 सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, पॉपुलेशन, ऑप्शन है गोवा, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी सिक्किम। टाइम शुरू हो चुका है, इसमें मैक्सिमम लोग फंस जाते हो क्योंकि आप क्वेश्चन ध्यान नहीं देते, हर बार फंसते, ये क्वेश्चन पहले भी 4-5 बार हम लोग रिविजन कर चुके क्लास, बट अभी मुझे सभी का परफेक्ट चाहिए। सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट की है, और टोटल 70 क्वेश्चन का क्लास है आज, पूरा क्लास कीजिएगा, ठीक है। चलिए गुरजोश, मेरे काफी लोग फिर भी फंस रहे, ध्यान रहे। चलिए टाइम अप, सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट, आप लोग गोवा लिखते काफी लोग, तो पढ़ के आइए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम, ठीक है, तो सिक्किम सबसे ज्यादा कम है जनसंख्या वहां पे। 31 जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ऑप्शन है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मुंबई या फिर डी दिल्ली। टाइम शुरू हो चुका है, यानी कि सबसे अधिक पॉपुलेशन किस स्टेट की है, बताइएगा, आंसर सभी का आना चाहिए जल्दी। जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई या फिर दिल्ली। पॉपुलेशन है तो बबुआ लोग ध्यान देंगे, ठीक है, बेबी टाइप क्वेश्चन है, गुडजोश। फिर टाइम अप, तो करेक्ट आंसर होगा जनसंख्या में सबसे ज्यादा बड़ा उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी, यानी बी वाले परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताओ, ऑप्शन है कल्पना चावला, बी बचेंद्री पाल, सी श्रीमती सुचिता कृपलानी या फिर डी श्रीमती सरोजिनी नायडू। टाइम शुरू हो चुका है, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन है कल्पना चावला, बी बचेंद्री पाल, सी श्रीमती सुचिता कृपलानी या फिर डी श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो ध्यान दीजिएगा, काफी लोग फंसते हैं, सिंपल क्वेश्चन अगर पढ़े हैं तो, नहीं तो मुश्किल। टाइम अप, तो अपने देश भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी बनती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी वाले परफेक्ट है, बाकी लोग रहो। कुछ लोग सरोजिनी नायडू, अरे बेटा जी वो तो राज्यपाल बनी थी ना, तो ध्यान रहे। 33 स्वस्थ मनुष्य का हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ऑप्शन है 78 बार, बी 72 बार, सी 70 बार या फिर डी 75 बार। टाइम शुरू हो चुका है, स्वस्थ मनुष्य यानी हेल्दी पर्सन का हार्ट बीट इन 1 मिनट हाउ मेनी टाइम्स बीट, ऑप्शन है 78 टाइम्स, बी 72 टाइम्स, सी 70 टाइम्स या फिर डी 75 टाइम्स। काहे ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड क्लास का लेवल है, जल्दी। चलिए टाइम ऑफ हुआ,
तो एक हेल्दी पर्सन ही स्वस्थ मनुष्य का हृदय की धड़कन एक मिनट में 72 बार नहीं 72 टाइम्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 34, 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3 को हल करें, मतलब सॉल्व करना है। ऑप्शन है 5 का स्क्वायर, बी 5 टू द पावर 5, सी 5 टू द पावर 4, या फिर डी 5 टू द पावर 6। टाइम शुरू हो चुका है। 5 का पावर 7 इसको भाग देना है, डिवाइड करना है 5 के पावर 3 से, तो कितना आएगा बताइएगा जल्दी, सभी लोग टाइगर है। 5 का पावर 2, 5 का पावर 5, 5 का पावर 4, या फिर 5 का पावर 6। 5 के पावर 7 को 5 के पावर 3 से करना है, तो पावर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 5 पावर 7 माइनस 3, टाइम अप, 5 के पावर 4 होगा। तो ध्यान रहे सॉल्व करने आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 5 के पावर 4, या फिर जो लोग लिखे 625 आप भी परफेक्ट है, ठीक है। 35, इसरो का पूरा नाम लिखे, ऑप्शन ए इंडियन स्पाइस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन स्पेस रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी इंडियन स्पेस रिसर्च ओरिएंटेशन। टाइम शुरू हो चुका है, तो ध्यान रहे जिनको एनसीसी ज्वाइन करनी है, फिजिकल की वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में देख लेंगे, क्वेश्चन पेपर भी है, और क्लास कंटिन्यू 2 टाइम, सुबह में 7:30 बजे से लाइव होती है और शाम में 8 बजे से, और होमवर्क पढ़ के आइएगा, ठीक है। वेबसाइट पर अवेलेबल है सारा कुछ, और यूट्यूब पर भी है, तो जल्दी चलिए टाइम आओ। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी वाले परफेक्ट है, गुड जोश। 36, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए, ऑप्शन है बेरी बेरी, बी अस्कर्वी, सी रेबीज, या फिर डी प्लेग। टाइम शुरू हो चुका है, ये सी है और ये डी है, ध्यान रहे, तो जल्दी बताए। लैक ऑफ विटामिन सी विच डिजीज कॉज्ड, ऑप्शन बेरी बेरी, बी अस्कर्वी, सी रेबीज, या फिर डी प्लेग। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कब कौन सा वीडियो अपलोड किया। टाइम अप। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है अस्कर्वी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अस्कर्वी, सी से अस्कर्वी, ठीक है। 37, आर्मी का फुल फॉर्म लिखे, ऑप्शन ए अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, बी अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यूथ, सी आर्मी रेगुलर मोबिलिटी यंग, या फिर डी आर्मड रेगुलर मोबिलिटी यंग। टाइम शुरू हो चुका है, जो आपको बताया समझ रहे हैं ना, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करेंगे, तभी आपको सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको जाएंगे, और क्लास की भी, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कौन सी न्यूज अपलोड हो रही है और कौन सा मॉडल पर अपलोड हुआ। तो जल्दी आर्मी का फुल फॉर्म, आर्मी लेवल, जल्दी चलिए टाइम आप। तो करेक्ट आंसर होगा, आर्मी का फुल फॉर्म होता है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, ऑप्शन ए वाले परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 38, WHO का पूरा नाम लिखे, ऑप्शन ए वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्थोडॉक्स। टाइम शुरू हो चुका है, फुल फॉर्म ऑफ WHO, WHO का पूरा नाम, सभी लोग जल्दी से जरा बताइएगा, बेबी टाइप क्वेश्चन है, अपने टाइगर लोगों को तो बच्चा वाला लगता होगा, कमेंट करके बताना कितना हार्ड है, सबसे हार्ड होगा आप लोग के लिए। तो जल्दी फुल फॉर्म ऑफ WHO, गुड जोश, और 2 सेकेंड फिर टाइम ऑफ। WHO का पूरा नाम होता है, सिंपल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रहे स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए। 39, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, ऑप्शन है 16 दिसंबर को, बी 24 जुलाई को, सी 26 जुलाई को, या फिर डी 26 दिसंबर को। टाइम शुरू हो चुका है, बबुआ बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर पढ़े हो तो, नहीं तो फिर तो मुश्किल, फिर गर्मी खतरनाक है। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, 16 दिसंबर, 24 जुलाई, 26 जुलाई को, या फिर 26 दिसंबर को, गुड जोश, काहे बाकी लोग फास्ट, चलिए टाइम अप। करेक्ट आंसर होगा, कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 26 जुलाई। 40, ए माइनस बी का होल क्यूब को हल करें, इसका जो बता दिया आपका रिटर्न 100% पास, ऑप्शन ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab माइनस 3ab, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, सी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी,
या फिर डी ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर बी। तो जल्दी से बताना, टाइम शुरू हो चुका है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, जल्दी बताइएगा सभी लोग फास्ट। एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा, 20 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है। आंसर सभी का आना चाहिए जल्दी, ये पूछा है पिछली बार, अलग से नहीं लाया टाइम। अब तो ध्यान दे, देख लो जितने लोगों ने बताया आपका सिलेक्शन रिटर्न में फिक्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद है आपको, मतलब बाकी का तो क्वेश्चन इससे काफी इजी है। तो ध्यान दे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन है डेंगू, बी रेबीज, सी मलेरिया या फिर डी एंथ्रेक्स। टाइम शुरू हो चुका है। ड्यू टू डॉग बाइट विच डिजीज कॉज्ड। ऑप्शन है डेंगू, बी रेबीज, सी मलेरिया या फिर डी एंथ्रेक्स। भाई डॉगी लोग बहुत, अब हम लोग ऐसे ऐसे ले लेके गोद में खिलाते हैं बट काट लेते तो कौन सी बीमारी, जरा बताइएगा। काफी लोगों को काटा भी, मुझे भी काटा है। चलिए टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेबीज, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो रेबीज, ध्यान दे कुत्ते काटने से। 42, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन बिहार, बी केरल, सी उत्तराखंड या फिर डी दिल्ली। टाइम शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य का मतलब है सबसे मैक्सिमम लिटरेसी रेट किस स्टेट की, मतलब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस राज्य में। ऑप्शन बिहार में, बी केरल में, सी उत्तराखंड में या फिर डी दिल्ली में। तो सभी लोग जल्दी से बताइएगा, गुड जोश, चलिए टाइम अप। तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। तो बी वाला परफेक्ट है, बाकी लोग ध्यान रहे पढ़ के आए। 43, चार मीनार कहां स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, बी जयपुर राजस्थान में, सी हैदराबाद तेलंगाना में या फिर डी मुंबई महाराष्ट्र में। टाइम शुरू हो चुका है जल्दी, चार मीनार कहां स्थित है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, बी जयपुर राजस्थान में, सी हैदराबाद तेलंगाना में या फिर डी मुंबई महाराष्ट्र में। और जिस किसी को कोई भी क्वेश्चन करना होगा एनसीसी रिलेटेड या फिर फिजिकल रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करेंगे, इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए टाइम अप। तो चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में, ऑप्शन ए वाले ध्यान दीजिएगा, सी इज द परफेक्ट आंसर, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है, नॉट इन आंध्रा, सी इज द करेक्ट आंसर। 44, 2021 ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता, मतलब भारत की किस खिलाड़ी ने। ऑप्शन ए मीराबाई चानू ने, बी नीरज चोपड़ा ने, सी पीवी सिंधु ने या फिर डी लोवलिना बोरगोहेन ने। टाइम शुरू हो चुका है। 2021 ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता, मीराबाई चानू ने, नीरज चोपड़ा ने, पीवी सिंधु ने या फिर डी लोवलिना बोरगोहेन ने। सभी लोग जल्दी से बताएं, नो टाइम वेस्ट, फास्ट। काफी लोग नीरज चोपड़ा वाले, बबुआ पढ़ के आइए नहीं तो फंस जाओगे। चलिए टाइम अप। तो ध्यान दे, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीराबाई चानू को पहला मेडल मिला था, सिल्वर मेडल 49 केजी वेटलिफ्टिंग। तो पूरा याद होना चाहिए आपको, मैंने सारा कुछ बता रखा है, तो ये वाले परफेक्ट है। 45, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा सभ्यता या फिर डी महाभारत कालीन सभ्यता। टाइम शुरू हो चुका है, बताइएगा। भारत की सबसे पुरानी यानी सबसे प्राचीन ओल्ड सभ्यता कौन सी है। ऑप्शन है वैदिक, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा या फिर डी महाभारत कालीन सभ्यता। और 2 सेकंड जल्दी, काहे टाइगर लोग फास्ट, चलिए टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है। इतना हार्ड क्वेश्चन, सबसे हार्ड होगा। ऑप्शन है कबूतर, बी बाज, सी मोर या फिर डी तोता। टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी बताइएगा। भाई क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम है, इतना हार्ड क्वेश्चन मुझे तो पता नहीं, आप लोग जरा बताना, मैं भी आप लोग सुना है बहुत तेज हो। तो अपनी नेशनल बर्ड कौन सी है अपने देश की। अच्छा जी, मतलब सब लोग ऑप्शन सी पे वोटिंग कर रहे हैं बबुआ। चलिए टाइम अप, ठीक है सभी का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अपनी राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पीकॉक है, ठीक है, सी इज द परफेक्ट, ऑल आर करेक्ट। 47, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है।
ऑप्शन ए 1:2, बी 2:3, सी 1:3 या फिर डी 2:1। टाइम शुरू हो चुका है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1:2, 2:3, 1:3 या फिर 2:1। सभी लोग जल्दी से बताएंगे विदाउट एनी टाइमर्स। गुड जोश, ठीक है, अभी तो सही जा रहे हैं। और 2 सेकंड, चलिए टाइमर्स टाइम अप हो गया। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन डी वाले परफेक्ट हो, 2:1। 48 नंबर, भारत का राजकीय प्रतीक क्या है? ऑप्शन अशोक चक्र, बी तिरंगा झंडा, सी अशोक का पेड़ या फिर अशोक स्तंभ। टाइम शुरू हो चुका है। भारत का राजकीय प्रतीक क्या है? सभी लोग आंसर बताएं। ऑप्शन अशोक चक्र, बी तिरंगा झंडा, सी अशोक का पेड़ या फिर अशोक स्तंभ। फास्ट, ये सब सेकंड थर्ड क्लास लेवल का क्वेश्चन है, सभी का आंसर परफेक्ट आना चाहिए। इसमें काफी लोग फंस रहे, मैं देख रहा, और हर बार फंसते हो। टाइम अप हो गया। तो भारत का राजकीय प्रतीक अशोक स्तंभ होता है, ठीक है, ना कि अशोक का पेड़ और अशोक चक्र, तो ध्यान रहे। डी वाले परफेक्ट है, बाकी लोग आपका आंसर बहुत ही गंदा पड़ी है, सिर्फ जीरो लेवल का क्वेश्चन है। 49, भारत चीन का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 1962 में, बी 1947 में, सी 1965 में या फिर 1999 में। टाइम शुरू हो चुका है। इंडिया वर्सेस चाइना फाइट कब हुआ? 1962 में, 1947 में, 1965 या फिर 1999 में। जरा जल्दी से बताना है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, एक ही बार तो हुआ है, काहे, अब सोचने वाली बात है का? सभी का फर्स्ट बॉल ये छक्का लगना चाहिए। टाइम अप, फिर भी काफी लोग आउट हो गए, ध्यान रहे। इंडिया वर्सेस चाइना भाई 1962 में हुआ है, कहां आप सो रहे अभी, पढ़िए, ये वाले परफेक्ट है, 1962। 50, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ऑप्शन जन गण मन, बी वंदे मातरम, सी सारे जहां से अच्छा या फिर डी ऐ मेरे वतन के लोगों। टाइम शुरू हो चुका है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? देख लो, राष्ट्र की बात है, किसी का मिस्टेक से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जो भी अपने लोग है। बट इसका आंसर सभी का सही, जो नए लोग आप भी, जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से या फिर ऐ मेरे वतन के लोगों। जल्दी और 2 सेकंड, फिर टाइम अप। तो अपने देश का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सब बेबी टाइप क्वेश्चन है, जीरो लेवल का। 51, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 सितंबर को, बी 14 नवंबर को, सी 15 जनवरी को या फिर डी 14 सितंबर को। टाइम शुरू हो चुका है। हिंदी दिवस यानी हिंदी डे, ध्यान दे, दिवस का मतलब केवल डेट होता है, इसीलिए आपको सब खाली सारे डेट्स मिले, नहीं तो ईयर मिलता, तो दिवस का मतलब डेट, ध्यान रहे, ठीक है। 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 15 जनवरी को या फिर 14 सितंबर को। सभी लोग जल्दी बताएं, बेबी टाइप क्वेश्चन है, अगर पढ़े हो तो, नहीं तो फिर तो भाई मुश्किल। टाइम अप। तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर, ऑप्शन डी वाले परफेक्ट है। 52, विजय दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 16 दिसंबर को, बी 5 सितंबर को, सी 26 जुलाई को या फिर डी 15 अगस्त। एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था, टाइम शुरू हो चुका है, कि कारगिल विजय दिवस, बट यहां पे केवल पूछा है विजय दिवस कब मनाते, ध्यान रहे, 16 दिसंबर को, 5 सितंबर को, 26 जुलाई को या फिर 15 अगस्त को। तो आराम से सोच के, ये कारगिल विजय दिवस नहीं है, ना ही कारगिल दिवस है, ये विजय दिवस है अलग, अकेला। टाइम अप। तो विजय दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 16 दिसंबर को मनाते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 53, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति का नाम लिखो। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टाइम शुरू हो चुका है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति का नाम लिखो। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी लोग जल्दी से बताएंगे, नो टाइम वेस्ट, जल्दी, काहे, बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलिए टाइम अप हुआ, बेबी टाइप है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइगर लोग परफेक्ट हो आप लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर, तो बी वाले फायर है एकदम। 54, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन है सुषमा स्वराज, बी प्रणब मुखर्जी,
श्री श्रीमती निर्मला सीतारमन एफडी डॉक्टर सुब्रहण्यम जयशंकर टाइम शुरू हो चुका है। यहाँ पे करंट अफेयर्स मोस्ट यूआई करंट अफेयर्स पूछता ही पूछता है, स्पेशली आपके स्टेट से रिलेटेड या फिर सेंटर से रिलेटेड। हु इज द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुषमा स्वराज या फिर पुष्पा पुष्पा वाला है, प्रणब मुखर्जी, निर्मला सीतारमन या फिर डॉक्टर सुब्रहण्यम जयशंकर। जल्दी करंट फॉरेन मिनिस्टर कौन है भाई, मेरा टाइम अप। तो अभी वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है डॉक्टर सुब्रहण्यम जयशंकर, यानी ऑप्शन डी, शॉर्ट में डॉक्टर एस जयशंकर भी बोलते हैं, ठीक है, तो डी वाले परफेक्ट हो, टाइगर ऑलर सभी लोग। 55 यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, सी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनिक या फिर डी यूनिक नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। टाइम शुरू हो चुका है तो जल्दी से बताइएगा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर सी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनिक या फिर डी यूनिक नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी और 15 क्वेश्चन है तो पूरा 70 क्वेश्चन, चलिए टाइम अप। तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तो बी वाले परफेक्ट हो, गुड जोश। 56 वायुसेना दिवस कब मनाते, ऑप्शन है 8 अक्टूबर को, बी 4 दिसंबर को, सी 15 जनवरी को या फिर डी 26 जनवरी को। टाइम शुरू हो चुका है, ध्यान रहे एयरफोर्स डे पूछ रहा, एयरफोर्स डे किस डेट को मनाते, ऑप्शन 8 अक्टूबर को, बी 4 दिसंबर को, सी 15 जनवरी को या फिर डी 26 जनवरी को। कहा है जल्दी, ऑल आर फायर ऑफ द तेजस फैमिली, चलिए टाइम ऑफ हुआ। तो वायुसेना दिवस यानी एयरफोर्स डे प्रत्येक वर्ष हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 8 अक्टूबर, बाकी लोग पढ़ के आइए। 57 भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम बताए, ऑप्शन है भैरव सिंह शेखावत, बी मोहम्मद हामिद अंसारी, सी श्री रामनाथ कोविंद या फिर डी मिस्टर वेंकैया नायडू। टाइम शुरू हो चुका है, हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सभी लोग जल्दी बताएंगे, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, श्री रामनाथ कोविंद या फिर डी मिस्टर वेंकैया नायडू। नो टाइम वेस्ट, आंसर सभी का आना चाहिए जल्दी, गुड जोश, करंट अफेयर्स है, चलिए टाइम ऑफ हुआ। तो अभी प्रेजेंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति है मिस्टर वेंकैया नायडू, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तो डी वाले परफेक्ट, इसमें भी काफी लोग गलत हो तो ध्यान दीजिएगा, इतना करंट अफेयर्स आपको नहीं पता, सिंपल क्वेश्चन नंबर 58 भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी श्री धर्मेंद्र प्रधान, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर रमेश पोखरियाल। टाइम शुरू हो चुका है, हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी श्री धर्मेंद्र प्रधान, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर रमेश पोखरियाल। और वीडियो को सभी लोग डेली लाइक कर देंगे, मैं आपको बोलता नहीं हूं किसी दिन, क्योंकि आप सभी लोग अपने लोग हैं, अपनी फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली है, तो आप लोग वीडियो को जो भी क्लास में आते लाइक कर देंगे डेली, ठीक है, चलिए टाइम ऑफ हो गया। तो अभी हमारे शिक्षा मंत्री प्रेजेंट में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 59 ध्यान दीजिएगा, नौसेना दिवस कब मनाते, ऑप्शन है 8 अक्टूबर को, बी 4 दिसंबर को, सी 15 जनवरी को या फिर डी 26 जनवरी को। टाइम शुरू हो चुका है, नौसेना दिवस मतलब नेवी डे होता है, ध्यान रहे नेवी का पूछ रहा, नेवी डे किस डेट को सेलिब्रेट करते, दिवस का मतलब डे यानी डेट होता है, ठीक है, डेट तो ध्यान रखिएगा, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 15 जनवरी या फिर 26 जनवरी को, सभी लोग जल्दी से, गुड जोश, चलिए टाइम अप। तो नौसेना दिवस यानी नेवी डे हम लोग प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी वाले परफेक्ट है, 4 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 60 थल सेना दिवस कब मनाते हैं, ऑप्शन 8 अक्टूबर को, बी 4 दिसंबर को, सी 15 जनवरी को या फिर डी 26 जनवरी को। टाइम शुरू हो चुका है, थल सेना दिवस का मतलब है, समझ रहे ना, आर्मी डे का पूछ रहा, ठीक है, एयरफोर्स नेवी तो हो गया, अब ये है आर्मी डे किस डेट को, 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को या फिर 26 जनवरी को। तो आर्मी डे अगर स्पेशली आप अगर मिस कर दिया तो फिर देख लेना, आपकी खैरियत नहीं है, जल्दी चलिए टाइम अप। तो थल सेना दिवस मैक्सिमम लोग को सही हो, बट काफी लोग गलत भी हो रहे हैं, तो पढ़ के आइए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर,
15 जनवरी को आर्मी डे, ठीक है, यानी थल सेना दिवस। 61 भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन है 15 अगस्त को, बी 5 जून को, सी 26 जुलाई को, या फिर डी 26 जनवरी को। टाइम शुरू हो चुका है। इसमें किसी ने अगर मिस्टेक से भी गलत बताया तो फिर आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है, सब लोग मिलकर करेंगे पनिश, इतने लोग समझ लो, अपनी फैमिली 2 लाख से भी ज्यादा की है, फिर आप फंस जाओगे चक्कर में। परफेक्ट होना चाहिए। गणतंत्र दिवस यानी इंडियन रिपब्लिक डे का पूछ रहा, कब मनाते जल्दी चलो टाइम आप। तो भारतीय गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाते, हर साल मनाते हो, बट कुछ लोग गलत करे तो ध्यान रहे, ठीक है। 15 अगस्त वाले उड़ जाइएगा हवा में, तो डी वाले परफेक्ट है, बाकी लोग रॉन्ग हो। 62 भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ऑप्शन है आम का पेड़, बी पीपल का पेड़, सी अशोक का पेड़, या फिर डी बरगद का पेड़। टाइम शुरू हो चुका है। अब इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया, कुछ लोग तो सोने लगे होंगे कि सर क्या पूछती है, बट ये इसलिए पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा है एग्जाम में, ठीक है, न्यू भर्ती में, और इस बार भी पूछ रहा है, और कुछ लोग को ये भी नहीं पता, इसलिए पढ़ाना पड़ता है कि भाई अपना राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, आम का, पीपल का, अशोक का, या फिर बरगद का। जल्दी चलिए टाइम अप। तो अपना राष्ट्रीय पेड़ है नेशनल ट्री बरगद का पेड़, यानी इंग्लिश में बोले तो बनियान ट्री, तो डी वाले परफेक्ट हो, ठीक है, ध्यान रहे। 63 नंबर, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताएं। ऑप्शन है श्रीमती प्रतिभा देवी सी पाटिल, बी श्री रामनाथ कोविंद, सी प्रणब मुखर्जी, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। टाइम शुरू हो चुका है। भैया अपने वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है जरा बताइएगा, अभी तो चेंज होने वाले हैं, बट अभी वही है, कौन है अपना राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सी पाटिल, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। गुड़जोश, सभी का आंसर परफेक्ट आना चाहिए जल्दी। चलिए टाइम अप हुआ। तो अभी प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी वाले परफेक्ट है। बाकी लोग, बाबू आपको राष्ट्रपति का नाम नहीं याद है और आप आर्मी, डिफेंस और एनसीसी का सपना देख रहे हैं, मेहनत कीजिए। 64 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है भगत सिंह ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी लाल बहादुर शास्त्री ने, या फिर डी महात्मा गांधी ने। टाइम शुरू हो चुका है। स्लोगन यानी नारा, ये तो काफी फेमस नारा है, सभी का सही होना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, शास्त्री जी ने, या फिर महात्मा गांधी ने। गर्मी देख रहे खतरनाक है, जल्दी सभी लोग चलिए टाइम अप। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा, बाबूआ जो लोग गलत हो तो फिर आपको कौन सा आंसर पता है पढ़ के आइए। ऑप्शन है भगत सिंह ने दिया था, ठीक है, ये वाला परफेक्ट है, टाइगर हो आप लोग। 65 दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है भगत सिंह ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी लाल बहादुर शास्त्री ने, या फिर डी महात्मा गांधी ने। टाइम शुरू हो चुका। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, या फिर डी महात्मा गांधी ने। सभी लोग जल्दी से बताइएगा विदाउट एनी टाइम वेस्ट। गुड़जोश, आदमी समझ के दिल्ली कोई जाएगा तो भाई तलका मचाने ही जाएगा ना, बात तो करने जाएगा नहीं। चलिए, काफी लोग इसमें भी फंस गए, गांधी जी के फैन लोग, इनके बस की बात है तो ध्यान दे, सुभाष चंद्र बोस का था, ठीक है, तो बी वाले परफेक्ट है, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग फायर आदमी थे, विस्फोटक थे। 66 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1887 में, बी 1985 में, सी 1885 में, या फिर डी 1947 में। टाइम शुरू हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1887 में, 1985 में, 1885, या फिर 1947। जल्दी 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 जल्दी, और 2 सेकंड, ओनली 2 सेकंड रिमेनिंग, टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफी टाइम्स पूछता है, बहुत जगह पूछता है, ठीक है, 1885 में करेक्ट आंसर, सी वाले परफेक्ट है। 67 ई लो, इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया, एस आई का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन है सब्जेक्ट इंस्पेक्टर, बी सब इंस्पेक्टर, सी सब इंस्पेक्शन, या फिर सूबेदार इंस्पेक्टर। टाइम शुरू हो चुका है। बबुआ स्पेलिंग ध्यान देना नहीं तो फंस जाओगे, थोड़ा सा भी मिस्टेक किया फंस जाएंगे। एस आई का फुल फॉर्म जो दारोगा जिले होते हैं ना उसका फुल फॉर्म है, सब्जेक्ट इंस्पेक्टर है ए में, बी में सब इंस्पेक्टर, सी सब इंस्पेक्शन, या फिर सूबेदार इंस्पेक्टर। तो सभी लोग जल्दी बताएं,
एस आई, बच्चा वाला है, चलिए टाइम ऑफ। तो एस आई का फुल फॉर्म होता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर, ध्यान रहे स्पेलिंग परफेक्ट होना चाहिए। 68, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन है श्रीमती निर्मला सीतारमन, बी श्री राजनाथ सिंह, सी अरुण जेटली, या फिर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। टाइम शुरू हो चुका है। हु इज द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्रीमती निर्मला सीतारमन, श्री राजनाथ सिंह, करंट अफेयर्स है और मोस्ट बीबीआई, आप डिफेंस के पार्ट बनने जा रहे हैं, एनसीसी इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस, तो ध्यान रहे पता होना चाहिए, अरुण जेटली या फिर नरवाने जी। गुड जोश, टाइम अप। तो अभी भारत के डिफेंस मिनिस्टर बबुआ श्री राजनाथ सिंह, ठीक है, तो बी वाले परफेक्ट हो, बाकी लोग मतलब हद है। अब डिफेंस का पार्ट बनने जा रहे, आपको पता नहीं कि आपका डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये सब करंट अफेयर्स पूछता है, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। 69, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार में, बी राजस्थान में, सी गुजरात में, या फिर डी उत्तर प्रदेश में। टाइम शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू भारत की है, अभी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसको हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, तो वह भारत के किस राज्य में? बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, या फिर उत्तर प्रदेश में, जरा बताइएगा। बच्चा वाला क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट, टाइम अप। तो पटेल जी के स्टैचू, जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है, तो ये गुजरात में मोदी जी ने बनवाया है, तो ऑप्शन सी वाले परफेक्ट, गुजरात। चलो भाई टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, 100 में 100% परफेक्ट जी सभी का, क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट है। एसडीएम का फुल फॉर्म लिखे, ऑप्शन है सब डिविजन में स्टेट, बी सब डिस्ट्रिक्ट में स्टेट, सी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर डी सब डिविजनल मैरिन। टाइम शुरू हो चुका। इसमें भी आप लोग फंसते हो हर बार 50% से ज्यादा लोग, बट इस बार मुझे 100% परफेक्ट चाहिए, फुल फॉर्म ऑफ एसटीएम, बट शुरू कर दिया, पढ़ के तो आते नहीं है और कुछ भी लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, पढ़ के आइए, ऐसे इतना आसान थोड़ी एनसीसी लेना, मुश्किल कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है, और बेनिफिट्स आपको पता ही है। और 2 सेकंड, टाइम अप। इतना सिंपल है, एक बार भी पढ़ लेते तो, ध्यान रहे सारा क्वेश्चन आपका निवर्ती को पूछा गया, ठीक है, ओरिजिनल। तो एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिविजनल होता है, ध्यान दे, तो सी वाले परफेक्ट है, बाकी लोग रॉन्ग। तो विनर कौन कौन है आउट ऑफ 70 क्वेश्चन, किसका सही है वही होगा विनर। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग अपना वैसे ही कंटिन्यू फोकस करें, मेहनत करें, और जो लोग इनका कम सही है, कम से कम अभी से भी सीरियस हो लो और पढ़ के आइए, ठीक है, होमवर्क सुन लो, होमवर्क आपका अभी तो मॉडल पेपर नहीं बता पाऊंगा इस क्लास में, बट अपलोड कर दूंगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आप देख लेंगे, तो चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, और वीडियो को सभी लोग डेली लाइक कर देंगे। क्लास 2 टाइम होती है, सुबह में 7:30 बजे से, शाम यानी रात में 8 बजे। बाकी नए लोग आपको भर्ती मॉडल पेपर्स कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए आप गूगल पर सर्च करेंगे www.tejasnccm.com, यहाँ पर सारे मॉडल पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्विज टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आप टेस्ट घर पर कभी भी दे सकते हैं, जब क्लास नहीं होती तभी भी, 15 मिनट लिमिट है टेस्ट का, टेस्ट दीजिएगा, 15 मिनट ही टाइम मिलता है, फिक्स है, टेस्ट सभी लोग घर पर देते रहेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं हो पाता है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, और इंस्टाग्राम पर सभी लोग कॉन्टेक्ट में आ ही जाएंगे, इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आज के वीडियो में टोटल इतने 70 क्वेश्चन था आज, तो किसको किसको मजा आया लिमिट टाइम में आंसर बताने में, तो जो लोग नहीं पढ़े पढ़ेंगे बढ़िया से और मेहनत करें, ठीक है, ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।